हाय ऑल, आशीष क्याल हियर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल में, लर्निंग सीरीज बाय वेव स्ट्रेटजी डॉट कॉम। तो चलते हैं, आज क्या बात करेंगे हम, आज क्या सीखेंगे है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जन इसे समझते हैं। तो अगर आप देखने जाए, अगर आप ट्रेडर हो, तो एक चीज मान के चलना होगा कि ट्रेडिंग के लिए खाली मेथड की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ 100% 30% आपकी स्टडीज होगी, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल है, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, या वो सब चीजें हैं। रिमेनिंग 30% अगर आप देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है। उसके अलावा जो 30% है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि बहुत जरूरी है समझना और बहुत कम जन उस पर ध्यान देते हैं। और बाकी का 5 to 10% है आप लक बोल सकते हो। तो थोड़ा लक तो सभी चीज में चाहिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप कुछ भी करते हो लाइफ में, थोड़ा लक तो चाहिए, लेकिन वो लक रैंडम है, वो कैंसल आउट हो जाता है। तो जो बचता है वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, आपका क्या है, आपकी रिस्क और मनी मैनेजमेंट क्या है, और साथ में ट्रेडिंग साइकोलॉजी या माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के वक्त। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ट्रेडिंग माइंडसेट की बात करेंगे। समझते हैं, मार्केट में अगर आप जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, या आप ऑलरेडी बहुत बार ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप पहले ट्रेड करते थे, स्टॉप लॉस लगाते थे, और जब भी ट्रेड करते थे स्टॉप लॉस के साथ काम करते थे। 2 से 3 बार क्या हुआ होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट आपके फेवर में गया, तो आपने सोचा यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही क्यों, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, स्टॉक को रखे रहा होता, तो शायद मैं अच्छा पैसा कमा के निकल जाता। तो चौथे बार आप क्या करोगे, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। नाउ चौथे बार स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो बन गया येस बैंक, जहां पर 100 रुपए पे आपने बाय किया और वो आ गया 10 रुपए पे, 15 रुपए के आसपास। तो पूरा पूरा जो आपने लगाया था कैपिटल, वो एक ही स्टॉक में अटक गया और वहां से आप एग्जिट भी नहीं कर पाए, क्योंकि 3 साल का लॉक इन कर दिया था गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, आपने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया कि आप खुद को रोक नहीं सकते हो उस स्टॉक को रखने से। तो कहने का अर्थ क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव इट यू, विच इज नोन एज गैम्बलर्स फेलेसी। गैम्बलर्स फेलेसी का मतलब क्या होता है मालूम है, अगर आप कसिनो में गए होगे खेलने के लिए, आपने देखा होगा कि अगर आप ऑड और इवन नंबर्स पे बेट कर रहे हैं, 2 बार ऑड आ गया, तीसरे बार ऑड आ गया, चौथे बार ऑड आ गया, तो 5वें बार आपकी टेंडेंसी होगी यार अभी तो ऑड नहीं आएगा, अभी तो इवन नंबर आना ही चाहिए, क्योंकि 4 से 5 बार ऑड नंबर आ गए तो उसके बाद इवन नंबर आएगा। दिस इज गैम्बलर्स फेलेसी। इसका मतलब होता है कि आप वो इवेंट को प्रीवियस इवेंट से क्लब करके देख रहे हो, जबकि वो इंडिपेंडेंट है। तो जो प्रोबेबिलिटी है ऑड या इवन आने की, वो हर एक टाइम में 50% है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पता है कि जो 5th टाइम या 6th टाइम आप वापस से बेट कर रहे हो, उसकी भी ऑड या इवन आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि वो जो इवेंट है वो पुराने जो पहले के जो इवेंट है उससे इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है, यार 5 बार अगर ऑड आ गया तो 6ठी बार तो इवन आ ही जाएगा। ये एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। अभी इसको मार्केट से क्या लेना देना है वो समझते हैं। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपने 5 दिन तक देखा या 4 दिन तक मार्केट कंसेक्यूटिवली नीचे गिरता जा रहा है, आपका माइंड क्या कहेगा, अरे यार मार्केट 4 दिन 5 दिन गिर गया, अभी तो 6ठे दिन ऊपर आएगा। नाउ उस चक्कर में आपने 6ठे दिन बाय कर लिया बिना कुछ मेथड, बिना कोई ट्रेड सेटअप के आपने बाय कर लिया, जस्ट बिकॉज आपको लगा कि यार 6 दिन हो गए अभी तो ऊपर आएगा। मारा, जैसे ही आपने बाय किया फिर से सेलिंग शुरू हो गई और मार्केट 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक नीचे। फिर आपने एवरेजिंग करना शुरू कर दिया, भाई अगर ये स्टॉक मैंने लिया था 100 रुपए पे, अभी 80 रुपया हो गया एवरेज करो, 50 रुपया हो गया और एवरेज करो, बढ़ेगा तो सही, कभी ना कभी। फंडामेंटल्स कहाँ खराब है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे है, इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, ये सब चीजें आप ढूंढने लग जाते हो। तो ये भी एक बायस है, मतलब आपका जो व्यू है वो व्यू सही रहे इसके लिए आप वो सब न्यूज़ ढूंढने लग जाते हो। सो ये हुआ है आपके साथ, ऑनेस्टली बताना अगर आपके साथ में हुआ है तो कमेंट में लिखना कि क्या हुआ है आपके साथ में। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन स्टॉक गिरा तो 6ठे दिन ऊपर जाएगा, किसने बोला ऐसा होगा। 10 दिन गिरा तो 11वें दिन ऊपर जाएगा, किसने बोला ऐसा होगा।
आप एवरेजिंग करते जाओगे, स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है तो आज या कल में ऊपर जाएगा, ऐसा किसने बताया आपको? हो सकता है वो साल भर के बाद ऊपर जाए। अरे यार रिलायंस जैसा स्टॉक 8 साल तक कहीं नहीं गया था, आप सोचिए, रिलायंस 8 साल तक नहीं गया था और निफ्टी सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई टच किया था, कोई ये बात को विश्वास करेगा? तो ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, इसीलिए मार्केट में बहुत जरूरी है आपको समझना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको कहीं भी किताबों में बुक्स में शायद ही मिलेगा। नाउ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है और इसे ध्यान रख के आप सुनना। मार्च 2020 में, फेब्रवरी 2020 में जब मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ था, ठीक है, फेब्रवरी 2020 में टॉप बना, उसके बाद थोड़ा फॉल आया, फिर मार्च 2020 के फर्स्ट और सेकेंड वीक में जो फॉल था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया और बहुत शार्प फॉल आने लगा नीचे। बहुत शार्प फॉल आने के बाद में सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो न्यूज क्या थी कि कोविड के कारण वर्ल्ड लॉकडाउन में जा रहा है, उसके साथ ही में इसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे बहुत बुरा होगा, जो कि सही बात है, गलत नहीं है, और मार्केट यहां से शायद खत्म हो जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा था कि यार दुनिया खत्म हो जाएगी, मार्केट खत्म हो जाएगा, कल कौन रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। और वही आया 24 मार्च 2020, उसके बाद में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, अगर आपने वीकली चार्ट निफ्टी का देखा होता, चार्ट पे देखना बहुत जरूरी है, पहली बार निफ्टी ने एक क्लोज किया प्रीवियस हाई के ऊपर, बहुत ही सिंपल मेथड है ट्रेंड फॉलोइंग का, जिस जो मैंने दूसरे वीडियोज में बता रखा है। तो वो होने के बाद में एक कंफर्मेशन मिला कि शायद जो भी फॉल आया था यहाँ पर हॉल्ट होना चाहिए और यहां से एक ऊपर का ट्रेंड शुरू होना चाहिए, बिकॉज वहां पे कंफर्मेशन मिला। और ऐसे कंफर्मेशन के ऊपर हमने पोजीशंस, मैंने पोजीशंस लेनी शुरू की और पोजीशन बहुत अच्छे से वर्क की और मार्केट वहीं से 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आप देखोगे निफ्टी 7,511 से कहां पहुंच गया था, 9,000 पे पहुंच गया, बल्कि 2 हफ्ते के अंदर वहां पहुंच गया। तो ये एक मेथड के बेसिस पे मैंने किया। वहीं पे क्या हुआ कि जब ये फॉल आ रहा था अराउंड 8,000 के लेवल के आसपास, जब ये फॉल चालू चालू था, मेरे एक फ्रेंड का फोन आया मेरे पास में, उसने कहा कि यहाँ पर जो न्यूज है, जिस हिसाब से ओवरऑल कोविड केसेस हो रहे हैं और सब हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया मैं निकाल देता हूँ। मैंने कहा नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज अगर यू आप 12,000 से 8,000 तक रुक गए हो और यहाँ पर लग रहा है शायद से रिवर्सल आएगा, तो ये टाइम है अभी वेट करने का, यहाँ पर नहीं निकालना है इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने, 3 साल के लिए रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए रखा है वो बात अलग है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो शॉर्ट टर्म इवेंट है ये, शॉर्ट टर्म इवेंट का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ऑलरेडी आप 40% नीचे हो, पोर्टफोलियो ऑलरेडी 40-50% नीचे है, तो अभी शायद वेट करना चाहिए। अगर कुछ करना था तो ऊपर करना था जब 10% नेगेटिव में थे, अभी 50% गिरने के बाद यहां पर लग रहा है शायद बॉटमिंग हो सकता है, ऐसा मेरा मानना था। और जैसे ही वो कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई मैंने बोला यहां नहीं बेचना, ये टाइम है बल्कि बाय करने का, और उसने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अपने वहां पर बेच दिए। नाउ सोचो, जो इन्वेस्टमेंट किए थे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट, अगर वो रख के रखता तो 1 साल में 80% का रिटर्न निफ्टी पे मिला, 80% रिटर्न मिला। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, होता क्या है, ये ड्रीवन बाय ग्रीड एंड फियर है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि यार यहाँ पर बाय करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा, जब मार्केट 18,000 पे है तो लगता है यहाँ और बाय करेंगे सब कुछ अच्छा है, क्योंकि न्यूज वो टाइम पे सब जगह पॉजिटिव होती है, लेकिन जब गिरता है, जब नीचे जाता है और फास्ट शार्प फॉल आता है, तब हम पैनिक कर जाते हैं, तो हम बेचते वहां पर है कि भाई अभी तो सब खत्म होने वाला है। तो होता क्या है, बाय एट हाई एंड सेल एट लो हो गया, करना क्या था हमें, बाय एट लो एंड सेल एट हाई करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जन समझते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत क्रूशियल है। इसमें क्या चेंज हो गया, आप होता क्या है, अगर मार्केट फॉल आता है ना तो हम सारी वो न्यूज पढ़ते हैं जो नेगेटिव हो, जो हमारे कंफर्मेशन बायस जिसे बोलते हैं, जो हमारे व्यू या बायस के साथ मैच हो, हम वही न्यूज पे ध्यान देंगे। अगर हम बेरिश है तो हम वही न्यूज पढ़ते हैं और उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है इसलिए हमने बेच दिया, लेकिन वो गलत है।
क्या आपने ठीक से एनालाइज किया, क्या आपने अपना होमवर्क किया, क्या आपने चार्ट पे देखा कि भाई ये मेथड्स के बेसिस पे मैंने एग्जिट किया, ना ही कि मेरे गट फीलिंग पे मैंने एग्जिट किया। नाउ एक और मैं एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इयर्स, और बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। समझिए आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक ट्रेड सेटअप है कि भाई जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस गया और 20 डेज 10 डेज के ऊपर गए, या 10 डेज एवरेज 20 डेज के ऊपर गया और प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गया, RSI 60 के ऊपर गया, मैंने बाय किया। आपने ऐसा एक बार किया, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, आपका स्टॉप ट्रिगर हुआ। दो बार किया, तीन बार किया, अभी होगा क्या, तीन बार आपका स्टॉप ट्रिगर हो चुका है। चौथे बार जब ये सिग्नल आएगा वापस से आपके ट्रेड सेटअप के हिसाब से, क्या आप वो सिग्नल लोगे या दो बार सोचोगे कि नहीं यार अभी तो नहीं करते, तीन चार बार लॉस हो गया, अभी वेट करते, अभी नहीं करूंगा मैं। आपने वेट किया, वो टाइम सिग्नल नहीं लिया, और वही चौथे बार आपने जब नहीं लिया, मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाया और ऊपर की ओर गया, तो आपने वो मिस कर दिया। अभी हुआ क्या, आपने वो मूव को मिस तो कर दिया, निफ्टी आ गया 17,000 से 18,000, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अभी वो मूव मिस हो गया। अभी आप क्या चाहोगे यार, नेक्स्ट मूव मिस ना हो, तो जैसे ही 18,000 से थोड़ा 50 पॉइंट नीचे आपने सेल करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि आपके मेथड में था सेल, आपने सेल इसलिए किया क्योंकि आपने वो अप मूव मिस किया, तो आप चाहते हो मार्केट नीचे आए। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ भी होता है ऐसा, लेकिन मैं वो चीज नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे ट्रेड सेटअप के हिसाब से फॉलो करता हूँ, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मार्केट लगा 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे, अरे यहाँ सेल करते, नीचे तो गिरेगा, कॉन्सिक्यूटिवली 6 दिन से बढ़ गया, अभी और कितना ऊपर जाएगा। तो इसमें दो चीजें काम कर रही है, एक तो पहली चीज आपने चार बार नुकसान किया है तो पांचवी बार ट्रेड नहीं लिया, और पांचवी बार मार्केट ऊपर गया तो आपने ये ट्रेंड मिस किया। दूसरी बात, क्योंकि मार्केट 6 दिन से लगातार चढ़ रहा था, आपको लगा अभी तो ये गिरेगा, क्यों लगा, बस गट फीलिंग है, और इस चक्कर में आपने उसे सेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ वापस ऊपर की ओर और फिर से ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने लगा 3-4 दिन। तो आपने एक तो पहले नुकसान कर रखा था, पांचवी बार में ट्रेंड मिस किया, और छठी बार में ट्रेंड के अगेंस्ट जाके फिर से नुकसान किया। सातवीं बार आप क्या बोलोगे, यार ये सट्टा बाजार है, ये नहीं चलता है, मेरे कुंडली में लिखा है, ज्योतिष ने बताया है कि मार्केट से ट्रेड करके मैं पैसा नहीं कमा सकता। आप आगे अभी किसी और के ऊपर जो जस्टिफाई कर रहा है कि आप पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो, क्योंकि कुंडली में लिखा है, ना ही कि ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट अभी सही मामले में काम नहीं कर रहा है। इसी कारण से आप नुकसान कर रहे हो, और इसी कारण से आपको शायद 2-4 दिन का वेट करना होगा, वापस से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना होगा और फिर मार्केट में उतरना होगा ट्रेड करने के लिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कहिए अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए, जिससे मुझे पता चले कि हम ट्रेडर्स हैं, और ये जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्यों ना उसे डिस्कस किया जाए कि क्या हुआ है आपके साथ में, कैसे हुआ है, और अगर आपने उस चीज को ओवरकम किया है तो कैसे किया है। ये बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ये 30%, आई एम टेलिंग यू, 30% आपकी जो ट्रेडिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी अगर आप अपने आप को समझेंगे, अगर आप ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे और आप उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आप ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देंगे, कितने भी अच्छे मेथड्स यूज कर लो, देखिए मैं टाइम साइकिल को यूज करता हूँ, मैं वेव थियरी यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैं साथ में ये भी ध्यान रखता हूँ कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, क्या बार बार नुकसान होने के बाद में चौथी बार अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या मैं इंश्योर कर रहा हूँ मैं लिवरेज कम कर रहा हूँ, पोजिशन साइजिंग बराबर है कि नहीं, स्टॉप लॉस मैं लगा रहा हूँ कि नहीं सिस्टम में, ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या, हम स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं और जब जब नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा आपको कि आप ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं बचेगी आपकी ट्रेड करने के लिए। तो ऐसा हुआ था मार्च 2020 के क्रैश में, ज्यादा दूर नहीं है, और जहां पर लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लिया, यार थोड़ा सा रुक जाते, यार 1 घंटा रुक जाते, यार 1 दिन रुक जाते, और मार्केट गया लोअर सर्किट, फिर रुक जाते, मार्केट गया और नीचे,
तो वो क्रैश में इतना नुकसान हो गया एक लॉट निफ्टी के ऊपर लोगों का, जब मैं बात करता था उनके साथ, मैं बोला आप कर क्या रहे हो लाइफ में, अगर पता है आपके स्टॉप लॉस के नीचे काम कर रहा है क्यों रुके हुए हो। लेकिन वो जो होप होती है ना, शायद एक उम्मीद होती है, तो वो उम्मीद के कारण हम मार्केट में बने रहते हैं और वेट करते रहते हैं, और उसी के वक्त जब वो उम्मीद खत्म होती है मार्केट लो बनाता है और वहीं से रिवर्स होता है। तो काम करना है तो संभल के, सोच के, माइंड सेट के साथ सही मायने में काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे उदाहरण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, और मेरे पास तो इसका पूरा पिटारा है क्योंकि इतने सालों से मैंने ट्रेड किया, तो मुझे पता है एक एक चीज कैसे काम करती है। एक फाइनल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि यार एक स्टॉक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा वो स्टॉक का, वो स्टॉक चल रहा था करीबन 105 रुपए के आसपास। एक दोस्त का फोन आया, उसने कहा कि यार ये स्टॉक है 105 रुपए के आसपास है, मेरे पास कोई न्यूज है और ये स्टॉक जाएगा 125 तक, कम से कम 125 तक जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर 125 तक जाएगा तो लेना चाहिए स्टॉक को। लेकिन इसके पहले मैंने कभी उसके टिप पे काम नहीं किया, मुझे पता नहीं था, ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, करीबन 10-15 साल पुरानी। उसके टिप पे काम नहीं किया तो 105 था स्टॉक, बढ़ते बढ़ते हो गया 115, और मैं देखते ही रह गया। मैं बोला यार 105 का 115 हो गया, फिर हो गया 120, और मैंने मेरे दोस्त को फिर से फोन लगाया, मैं बोला यार स्टॉक 120 हो गया, तुमने 125 का टारगेट दिया था, तो यार मैंने तो मिस कर दिया, मैंने तो लिया नहीं। उसने कहा देखो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है तो मेरे ख्याल से ये 130 तक भी चले जाएगा। बोला ठीक है तो अभी ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने लिया था करीबन 1000 शेयर, मैंने ले लिए 2000 शेयर, कि भाई अगर उसने 1000 लिया है, उसने 100 पे लिया है 1000, तो मैंने 120 पे 2000 ले लिए, कि भाई कम से कम मैं भी उसके जितना पैसा तो कमाऊं, या उससे थोड़ा कम लेकिन उतना तो कमाऊं। अब हुआ क्या, स्टॉक गए 120 से 125, तो मैं खुश था, चलो अच्छा है, मैंने फाइनली ट्रेंड में आ गया, मैंने ट्रेड ले लिया, 125 गया स्टॉक। और फिर हुआ क्या, 1 या 2 दिन के बाद में स्टॉक में गिरावट आने लगी, वो आगे 115, और मैं देखता रह गया स्क्रीन पे, फिर आगे 110, और बाद में आ गया 100 रुपए पे वापस। अभी हुआ क्या, मैंने लिए थे 2000 शेयर और आ गया वो 20 रुपया नीचे, 40,000 का नुकसान वहीं पे। मैंने मेरे दोस्त को कॉल लगाया कि यार तू बोला था 135 तक जाएगा, लेकिन ये तो अभी 125, तेरा जो पहला टारगेट था वो आके रिवर्स हो गया, तो क्या करे। तो बोला देख मैंने 100 पे लिया था, मुझे 25% का प्रॉफिट मिला, 125 के आसपास मैंने निकाल दिया, लेकिन स्टॉक अच्छा है तू बने रहे। नाउ ऐसे दुविधा में, ऐसे मौके पे क्या किया जाए, वो 100 का हो गया 80 रुपया, और बाद में वो स्टॉक धीरे 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 नीचे आके हो गया 40 रुपया। उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार जो गलती मैंने कर दी, ये एक टिप पे बिना स्टॉप लॉस के साथ काम किए, बिना खुद का दिमाग या लगाए, और किसी ने बोल दिया, ले लिया और ब्लेम कर दिया, उसके कारण नुकसान हो गया। ऐसे अगर मैं करूंगा तो लाइफ में पैसा तो मेरा लगा है, नुकसान तो मेरा हुआ है, तो कमाने कहाँ से मिलेगा। तो तभी मैंने डिसाइड किया यार कुछ भी हो जाए, खुद की स्टडी करेंगे, खुद का रिसर्च करेंगे, खुद ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, और उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। वो करने से जो मजा आएगा आपको ट्रेड करने का, वो अलग ही लेवल का होगा। जो आप देखेंगे ना, ये ट्रेड जब लिया, जो आप स्टडी करके ट्रेड लिया, भले ही टारगेट से थोड़ा रह गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको एक कन्विक्शन रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, यार मैंने काम सही किया। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी है। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करिए, समझिए आप क्यों ले रहे हो स्टॉक को, आपकी क्या रिस्क है, आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, और आप क्या बनाना चाहते हैं मार्केट से। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं और भी बातचीत करूंगा। अगर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में लिखना ना भूले आपके साथ ऐसा क्या हुआ है मार्केट में जो बताता है कि मेथड तो सही था, काम सही कर रहे थे, बट माइंड सेट रॉन्ग था, उस कारण से नुकसान हो गया, और आपने कैसे उस माइंड सेट को चेंज किया। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरा यूट्यूब चैनल @ख्यालआशीष, सब्सक्राइब करिए, क्लिक करिए बेल आइकन पे, सो दैट आपको अलर्ट्स मिलते जाए ऐसे कोई वीडियोस जब पब्लिश होते हैं, और ये शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा,
भूलना नहीं, मेरा ट्विटर हैंडल है @ख्यालआशीष। बहुत सारे लाइव मार्केट के वक्त मैं ट्वीट भी करता हूँ, तो उसे फॉलो करना ना भूलिए। @ख्यालआशीष है मेरा ट्विटर हैंडल। और एक और चीज पे ध्यान रखना, ट्रेड करना लेकिन खुद से सीखो, आत्मनिर्भर बनो, एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वही मेरा विजन है कि जितने लोगों को मैं छू सकूं, बता सकूं कि यार ट्रेडिंग इस तरीके से होती है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी ये चीज करके पैसा कमा सकते हो। सो ये पॉसिबल है। मैंने तो लीमन ब्रदर्स में काम करता था जो बैंक करप्ट हो गया था 2008 में, सोचिए जॉब चली गई थी, लेकिन मैं आज हूँ आपके सामने, CMT किया है, एक बुक लिखी है इफेक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, मेरा ऐप है आशीष ख्याल ट्रेडिंग गुरुकुल प्ले स्टोर पे, वेबसाइट है wavesstrategy.com के नाम से। तो बहुत सारी चीजें की है, तो देखिए पॉसिबल है, गिरने के बाद फिर से उठना और चलना और दौड़ना पॉसिबल है, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो ट्रेड करिए राइट माइंडसेट से, राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, और देखिए लाइफ में आपके कैसे वो डिफरेंस आता है जो आज तक मिसिंग था। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, और ये इस टाइप के वीडियोस मैं और बनाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और ट्वीट करना ना भूले @ख्याल आशीष पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे। आशीष ख्याल साइनिंग ऑफ।